चैनल विंडस्क्रीन ट्यूटोरियल नंबर 2। आज हम विंडस्क्रीन का ट्यूटोरियल नंबर 2 करेंगे। दूसरी वीडियो बना रही हूँ। इन दिस आई एम गोइंग टू मेक कोस्टर्स और इसमें मैं कोस्टर्स बनाऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू ऑल माई व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स एंड एवरीथिंग। As Wizard Family got 8,000 subscribers, सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, व्यू किया मेरे चैनल को और जो है मेरा चैनल 8,000 पे पहुंच चुका है सब्सक्राइबर्स पे। थैंक्स। सो एट फर्स्ट आई ड्रू अ स्टार ऑन अ पेपर। सबसे पहले मैंने स्टार को बनाया एक पेपर पे। नाउ आई एम गिविंग कर्व टू द एजेस और अब मैं इसकी एजेस को कर्व कर रही हूँ। देन कट इट आउट और अब इसको काट कर निकाल लीजिए। नाउ आई हैव टेकन अ ट्रांसपेरेंट शीट एज अ बेस और अब मैंने ट्रांसपेरेंट शीट को बेस के तौर पर लिया। ट्रेस द स्टार शेप ऑन इट और इस पे आप स्टार के शेप को ट्रेस कर लीजिए। नाउ यू कैन यूज एनी ग्लू ऑन इट। अप्लाई द ग्लू UHU और स्टिको वट एवर यू हैव बट नॉट द मॉड पॉज और जर्मन वाइट। आप जो है इस पर कोई भी ग्लू वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉड पॉज या जर्मन वाइट मैंने नहीं कहा हरगिज़ भी, वो यूज़ नहीं कीजिएगा। मोर ओवर एज यू कैन सी आई यूज हॉट ग्लू गन ऑन इट तो आप इसके ऊपर हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सख्त भी हो गया है। इट इज़ वॉशेबल, ये जो है धोया जा सकता है, ये ख़राब नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रे पेंट इट। यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट द साइज। आप लोग इसके साइज के बारे में सोचेंगे। बेसिकली इट्स अ कोस्टर फॉर अ बोल एंड दीज कोस्टर आर फॉर कप्स और मग्स। असल में ये जो बड़ा कोस्टर है ये बड़े प्याले के लिए बनाया गया है और ये जो छोटे मग्स या आप छोटे मीठे के प्याले इन पे रख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रे पेंट इट। अब मैं इस पर स्प्रे पेंट कर दूंगी। सो पेंट इट एज पर योर चॉइस। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक इस पर स्प्रे पेंट कीजिए। आई हैव टर्न इट बैक, मैंने इसे पीछे की तरफ टर्न किया है टू हाइड दीज मार्क्स एज वेल एज टू गिव अ रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट। मैंने इसको उल्टा टर्न करके स्प्रे पेंट कर ली हूँ ताकि जो ये जो निशानात हैं मार्कर के वो भी मिट जाएं और दूसरा ये रिफ्लेक्ट कर सके पीछे से शीशा आपका। वेट टिल इट ड्राई, जब तक ये सूखता है उसका इंतज़ार करते हैं। नाउ यू कैन सी द क्लोजअप। आप इसका क्लोजअप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। नाउ आई एम गिविंग इट अ टच ऑफ गोल्ड। अब मैं इसे गोल्ड का टच दूंगी थोड़ा सा। टाटा, ब्यूटीफुल कोस्टर्स आर रेडी। खूबसूरत से कोस्टर्स तैयार हो चुके हैं। यू कैन काउंट दिस ट्यूटोरियल एज DIY गिफ्ट एज वेल। आप इस ट्यूटोरियल को गिफ्ट्स वाले ट्यूटोरियल में भी काउंट कर सकते हैं। ये वॉशेबल है। होप यू गाइज लाइक द ट्यूटोरियल, लाइक द आइडिया। डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू गाइज इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।
Till then, Allah Hafiz.